मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस के अंदर ये इक्वल आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और जो हमारे बोर्ड लेवल की बात करें उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो ये मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन जो मेरे पास है ये होता क्या है। तो देखो, व्हाट इज द फंक्शन, मैंने लिखा व्हाट इज द फंक्शन। तो फंक्शन इज द स्पेशल टाइप, फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कि मतलब क्या है कि जो फंक्शन होता है वो एक टाइप से एक स्पेशल टाइप रिलेशन की ही होती है। तो इससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको रिलेशन आपने इससे प्रीवियस वीडियो में आपने कंप्लीटली मैंने रिलेशन के बारे में आपको समझाया है तो रिलेशन का आपको पता है। तो जो एक प्रकार की जो स्पेशल टाइप की रिलेशन ही क्या होती है फंक्शन, इट मीन्स जो रिलेशन होगी एक स्पेशल टाइप की रिलेशन ही फंक्शन होगी, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, जैसे आपको मैंने बताया था रिलेशन के बारे में कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ एक्स कार्टेशियन वाई। वही हमारे पास डेफिनेशन फंक्शन में होगी। देखो आप क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए सबसेट ऑफ एक्स कार्टेशियन वाई। उसमें क्या था, सेम वही था, ए रिलेशन था, यहां पर ए सबसेट ऑफ एक्स कार्टेशियन वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन। वहां भी यही था कि एक्स कार्टेशियन वाई का जो होता है इज कॉल्ड ए रिलेशन। तो वहां पे डेफिनेशन कुछ और थी, उसके बाद वाली डेफिनेशन सिर्फ चेंज है। वो डेफिनेशन क्या है, ये भी जो रहेगी मेरे पास, जो फंक्शन जो रहेगा वो भी किसका सबसेट रहेगा, एक्स कार्टेशियन वाई का ही सबसेट रहेगा। और अगर x कार्टेशियन y का सबसेट है तो फंक्शन कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम x टू y। अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन है वो सबसेट अगर x कार्टेशियन y का है तो वो रिलेशन, वो फंक्शन कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम x टू y। अगर वो सबसेट है y कार्टेशियन x का तो रिलेशन कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम y टू x। ये आप ध्यान रखेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है, अगर हम लोग जो इस एक्स के अंदर एलिमेंट लेके चलते हैं, हमने क्या कंसीडर किया है, कैपिटल एक्स के अंदर कोई एलिमेंट है स्मॉल एक्स, तो इसके अंदर एक यूनिक एलिमेंट कि फोर इज, सभी जो एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या रहेंगे, यूनिक एलिमेंट एक एग्जिस्ट करेगा, किसके अंदर करेगा, वो वाई के अंदर करेगा। ये हमने उसमें एलिमेंट कंसीडर की है कि जो कैपिटल एक्स है उसमें एलिमेंट स्मॉल एक्स है और जो कैपिटल वाई है उसमें एलिमेंट्स क्या है, स्मॉल वाई एलिमेंट्स है। तो जो एक्स के सभी एलिमेंट्स कि जो एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट किसमें करेंगे, यूनिक एलिमेंट किसमें आएगा, उसका आंसर वाई के अंदर आएगा। तो इसको अपन ये दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि दो एफ इज द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट इन वाई। मीन्स जो एक्स के जो ईच एलिमेंट है वो किसके अंदर आएंगे, उसकी जो इमेज कह सकते हो आप या यूनिक एलिमेंट एसोसिएट करेंगे किसके अंदर, वाई के अंदर करेंगे। तो अगर जैसे हमने एक्स स्मॉल एक्स एक्स में माना है और स्मॉल वाई वाई में माना है, कैपिटल वाई के अंदर कंसीडर किया है, तो जो पेयर आएगा जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या आएगा, एक्स कोमा वाई, वो किसमें बिलोंग करेगा, फंक्शन में करेगा। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इज द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, हैव यूनिक एलिमेंट एसोसिएटेड इन स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन, और इन दिस फंक्शन द ऑर्डर्ड पेयर विल बी एक्स कोमा वाई इफ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। तो आप ये ध्यान रखेंगे। या दूसरा मैं आपको देखो और भी इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको। मान लीजिए आपके पास कोई एक्स सेट है 1 2 3 और सेट वाई मेरे पास है, ये हमने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कोई सेट है एक्स एंड वाई। आप लोगों के पास कोई एफ कोई फंक्शन है,
ये फंक्शन है जो है 1.2, यहां से 2.3, यहां से 3.4, ये कोई फंक्शन है। क्लियर हुआ? अब आप लोग क्या करोगे कि हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि हमने क्या बताया, x के सभी एलिमेंट्स, देखो x के सभी एलिमेंट्स, x में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3, देखो सबकी इमेज, सबके ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं 1, 2, देखो फर्स्ट कंपोनेंट देखो 1, यहां 2, यहां ईच एलिमेंट्स हो गए x के, वो सभी एलिमेंट्स जो उसका आंसर है, जो उसका यूनिक एलिमेंट किसमें एसोसिएट कर रहा है, वो देखो सेकंड y में कर रहा है क्या, देखो 2 है यहां से आ रहा है, 3 है आ रहा है, 4 है आ रहा है, तो इसका मीन्स ये डेफिनेशन किसकी है, फंक्शन की डेफिनेशन है। या दूसरे शब्दों में छोटी डेफिनेशन की बात करें जिससे आपको बेटर और समझ में आए, क्या होगा फंक्शन कि नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी अलग अलग जो ऑर्डर्ड पेयर है इन एफ, एफ के अंदर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कभी भी कोई भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है किसके अंदर, एफ के अंदर, उन सब का कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आए। देखो आपने देखा होगा यहां पर, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, इसका क्या है 3, तो ये क्या है, फंक्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए और मैं आपके पास लिखता हूं, मान लीजिए एफ फंक्शन है 1.2, या मैंने लिख दिया 1.1, 1.2, 2.3 एंड 3.4, ये मैंने आपको लिख दिया, तो आप लोग इसमें देखिए जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग देखिए क्या इनका फर्स्ट कंपोनेंट एफ का सेम है, तो आप लोग देखो यहां है एफ, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो जो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है, ये आप ध्यान रखते, क्लियर। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, थर्ड मैं आपको एरो डायग्राम से भी करवाऊंगा, पहले आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। एफ एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए ये दे रखा है 1.2, यहां से 2.4, यहां से मेरे पास दे रखा है 2.3, या चलो रहने दो इतना ही कर देता हूं, 1.2, 2.3, ये आ गया मेरे पास, क्या ये फंक्शन है, तो आप लोग कहोगे जी हमने देखा, मैंने डेफिनेशन की बात करी कि ईच एलिमेंट्स एक्स के सभी एलिमेंट्स एक यूनिक एलिमेंट्स वाई के अंदर लेके आएंगे, तो देखो यहां से 1 का 2 है, यहां से 2 का 4 है, बट यहां से 3 जो एलिमेंट है उसकी कोई भी इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। देखो मैं आपको एरो डायग्राम से करवाता हूं, इधर साइड में देखो आप लोग, तो यहां से जो फर्स्ट मेरे पास है, ये जो फर्स्ट मेरे पास रूल है, मैं फंक्शन का डेफिनेशन और इससे रिलेटेड बातें करवाऊंगा, तो ये एक्स है, ये वाई है, आप लोग देखिएगा एरो डायग्राम आपको बनाना आता है, यहां से 1, 2, 3, यह आएगा 1, 2, 3, 4। अब आप लोग देखिएगा मैं इसका बना रहा हूं, आपको एरो डायग्राम बनाना आता है, 1 किससे रिलेट कर रहा है 2 से, तो देखो 1 को रिलेट कर रहे हैं हम 2 से, 2 किससे रिलेटेड है 3 से, 2 रिलेटेड है 3 से, और 3 किससे रिलेटेड है 4 से, तो ये क्या है, ये फंक्शन है। मैं यस का साइन करूंगा, यस पर टिक करूंगा, तो ये फंक्शन है, क्यों, डेफिनेशन को फिलअप कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप लोग देखिए, एक तो सबसे पहली बात क्या है जो आपको बेसिक बात है, सभी जो मेरे पास फर्स्ट सेट रहेगा इन सभी की क्या होना चाहिए, देखो इनको इमेज बोला जाता है, मैं आपको आगे जो पढ़ाओगे मैं इमेज सब कुछ करवाऊंगा, पर आप समझ सकते हो जैसे 1, 2 है तो इसको पढ़ेंगे 1 है वो 2 की इमेज है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में अभी, तो याद से देखो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, ठीक है, मेरा फंक्शन है, डेफिनेशन मैंने बताया था सभी की देखो इमेज है, दूसरा क्या है सबकी यूनिक है, 1 की 1 ही इमेज है, एक ही यूनिक का मतलब सब एलिमेंट्स की एक एक यूनिक है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब इसकी बात करें दूसरे की, आप लोग देखो दूसरा अगर मैं इसके अंदर लिखता हूं, मान लीजिए वो ये मेरे पास ये x है ये y है, देखो f फंक्शन है तो आप ऐसे f लिख सकते हो, यहां पे f है, लिखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, आप लोग देखिएगा 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है। अब आप लोग देखो यहां से ये बात तो ठीक है, पहली डेफिनेशन तो कि x के सभी एलिमेंट्स की इमेज है, सबकी इमेज है, बट दूसरी हम बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं कि यहां से 1 जो एलिमेंट है उसकी 2 इमेज है,
एक एलिमेंट शिफ्ट टू डिफरेंट इमेज हो गई ना। हमने क्या बताया था कि यूनिक एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरा फंक्शन नहीं है। क्यों, वन यूनिक इमेज बताई हमने, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, और यहां पर यूनिक नहीं है, यहां पर सेम हो गए, वन के दो दो हो गए, तो ये फंक्शन नहीं है। समझ गए। थर्ड देखो आप, ये एक्स ये वाई, ये एफ फंक्शन है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। आप लोग देखिए ये किसका बना रहा हूं, वन की इमेज टू है, वन की इमेज टू है, टू की इमेज फोर है। तो आप बताओ ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, आप लोग देखो थ्री की कोई इमेज नहीं है। ईच का नाम लिया यहां पर मैंने डेफिनेशन में कि सभी एलिमेंट्स की होनी चाहिए, बट यहां पर सभी की नहीं है, थ्री की नहीं है, तो इट मीन्स ये भी फंक्शन नहीं है। अब देखो एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास एक फोर्थ और एग्जाम्पल है, ये एफ कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, वन की इमेज वन है, टू की इमेज भी वन है, थ्री की इमेज फोर है, ये फंक्शन है या नहीं। तो आप लोग देखिएगा एरो डायग्राम से बताता हूं, फोर्थ यहां से आप लोग देखो, ये मैं ड्रॉ करता हूं, ये एक्स ये वाई, ये एफ फंक्शन है। तो आप लोग देखो यहां से वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर हुआ। आप लोग देखो वन की इमेज क्या है, वन है, टू की इमेज भी वन है, और थ्री की इमेज फोर है। तो क्या ये फंक्शन है, नहीं। तो आप लोग देखोगे ये इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां से एक बात आपको समझ में आती है, कौन सी, देखो हमने डेफिनेशन की बात करें, पहली डेफिनेशन फिट हो रही है, कौन सी, सभी की, सभी एलिमेंट्स की इमेज है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी क्या है, एक्स के सभी की है बट यूनिक होनी चाहिए, तो यूनिक ही है। आप लोग देखो वन की एक ही तो इमेज है, टू की भी एक इमेज है, भाई क्या है ये, इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन है वो आप दूर करिए। इसमें क्या है, एक वन एलिमेंट्स की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की दो दो इमेज होगी तो ये फंक्शन नहीं है। बट ये फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट की दो नहीं है, दो एलिमेंट्स की एक इमेज है, तो दो की तो यूनिक इमेज हुई। आपको पता है वन की एक इमेज है, यहां पर इस टू की भी एक इमेज है कि नहीं, और थ्री की भी एक इमेज है, तो ओनली वन इमेज है हर एक एलिमेंट्स की, तो दिस इज ए फंक्शन। तो आपको समझ में आया होगा, तो सीधी सी बात है, अगर आप, मैंने चार आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए, यही एक्सरसाइज में क्वेश्चन था आपके, तो मैं ये जो डेफिनेशन की बात करें तो आपको सिर्फ दो बात ध्यान रखनी है, कौन सी, एक तो सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, दूसरी बात कौन सी, सबकी यूनिक होनी चाहिए। समझ गए, या फिर आप कह सकते हो कि जो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम ना हो, बस। देखो जैसे इसमें एक एक सेम हो गया फर्स्ट, और देखो इसमें कोई किसी का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, इसमें भी किसी का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, बट ये क्यों नहीं, क्योंकि इसमें थ्री का नहीं है, इसमें भी किसी का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है। तो सिर्फ आपको ये एक तो ईच वाली बात ध्यान रखनी है कि ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से फंक्शन की डेफिनेशन को फिलअप करते हैं, मैंने डिटेल से पढ़ाया आपको फंक्शन और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देख के बताया है। अब इसी के अंदर बात करते हैं इमेज एंड प्री इमेज, अगर इसी का कॉन्सेप्ट है इमेज एंड प्री इमेज। अब देखो बच्चों होता क्या है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। तो अभी आप लोग देखिएगा, मैं यहां से फंक्शन की बातें बताई आपको, मैं इसकी बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास f कोई फंक्शन है, लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y, ये कोई f फंक्शन है, कहां से कहां तक है, x टू y है। तो देखो आपने, मैंने अभी अभी बताया है कि x के अंदर स्मॉल x एलिमेंट है और y के अंदर स्मॉल y एलिमेंट है, तो आप क्या कहोगे कि जो x के सभी एलिमेंट्स किसमें एसोसिएट करे, यूनिक एलिमेंट्स लेके आए y के अंदर, तो ये भी कह सकते हैं जो फंक्शन ऑफ x, मतलब x के एलिमेंट्स की इमेज किसमें आएगी, y में। तो इमेज के बात करें तो मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे बाहर f है तो यहां पर f लिखना, यहां पर g है तो g लिखना, यहां पर t है तो t लिखना, इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो इसमें एलिमेंट हमने क्या लिया है, स्मॉल एक्स, और उसकी इमेज क्या आएगी, जो वाई में एलिमेंट होगा, वाई में क्या है, स्मॉल वाई है।
तो इसके रेस्पेक्ट में फंक्शन क्या बना कि f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y। अगर x बिलोंग करता है कैपिटल x में और स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल y में, तो जो f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, y के। क्लियर। अगर ये g होता, g x टू y होता, तो यहां पर क्या लिखते, जी वाई इज इक्वल टू वाई लिखते। आप ये बात ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है ना। अभी यहां से और देखें, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां क्या बात आती है, छोटी सी बात निकल के आती है, जो वाई है ये, इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। और जो ये एक्स है इसको बोलते हैं प्री इमेज। ये बात छोटी सी है बट समझने की है। क्या कहोगे इसके अंदर, क्या कहोगे, वाई इज द इमेज ऑफ एक्स, वाई इज द इमेज ऑफ एक्स एंड एक्स इज द प्री इमेज ऑफ वाई। ये छोटी छोटी बातें दोनों ध्यान रखोगे, जो राइट साइड में आएगा वो इमेज रहेगा और जो जिसकी वो इमेज आए वो क्या रहेगी, प्री इमेज रहेगी। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था। देखो फंक्शंस को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। अभी मैं सारे क्लियर कर देता हूं। मैं यहां से आपको इसकी बात करता हूं, सिर्फ एक फंक्शन की बात करता हूं। यहां देखो आप इसके बारे में, ये आपको मैंने एग्जांपल भी दिया है, फंक्शन भी है। तो देखो ये फंक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप क्या बोलोगे, इसको पढ़ोगे क्या, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, पहला ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मींस क्या है। इसका मींस है कि जो 1 है उसकी इमेज क्या है, 2, 2 की इमेज क्या है, 3, 3 की इमेज क्या है, 4। तो या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो कि एफ 1 इक्वल टू 2, इट मींस जो 1 की इमेज है वो क्या है, 2 है, और एफ 2 इज इक्वल टू 3 और F3 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है, 2, 3, 4, ये क्या है, इमेज है। तो 2 किसकी इमेज है, 1 की, 3 किसकी इमेज है, 2 की, 4 किसकी इमेज है, 3 की, और मैं कहूं 1 क्या है, 2 की प्री इमेज, 3 ये 2 क्या है, 2 3 की प्री इमेज, ये 3 क्या है, 4 की प्री इमेज। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट किसका, इमेज और प्री इमेज क्या होता है। अब हम बात करते हैं डोमेन, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इसी में ही, डोमेन। क्या कॉन्सेप्ट है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। अब ये कॉन्सेप्ट बनता है, अब देखो जैसे हमने रिलेशन में बताया डोमेन क्या होता है, तो सिंपल है ये, आप यहां से भी कर सकते हो कि डोमेन कोडोमेन रेंज। देखो मैंने आपको डोमेन के बारे में वहां बताया था, डोमेन क्या होता है, रिलेशन में क्या बताया था, रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो डोमेन रहेगा। तो इसमें क्या करोगे, जो फंक्शन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन होगा। तो इसकी डोमेन क्या है, फंक्शन का फर्स्ट कंपोनेंट देखो, 1, 2, 3, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। अब आप करते हैं रेंज क्या होती है, तो रेंज क्या होती है, ऑल द इमेजेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के जरिए सभी की जो इमेज होती है वो होती है रेंज, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन का सेकंड कंपोनेंट क्या है, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, तो जो फंक्शन का जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो रेंज होगा। और अब बात आती है कोडोमेन की, मैंने बताया था कि मान लीजिए एफ कोई फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो जो वाई के जो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो कि जैसे अगर मैं देखो, एक तो मैंने आपको बोल के बताया, क्या बताया डोमेन की डेफिनेशन, कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। रेजा क्या बताया, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। डोमेन कोडोमेन के बारे में क्या बताया, अगर एफ इज द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो वाई के जितने भी एलिमेंट्स है उनका सेट वो कोडोमेन रहेगा। तो अगर आप बात करो तो कोडोमेन इसके अंदर क्या आएगा, आप देखो वाई के एलिमेंट्स क्या है इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा डोमेन रेंज और कोडोमेन। या फिर आप दूसरे शब्दों में एक और बात कह सकते हो, अगर f फंक्शन x टू y है, तो जो x के जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो होंगे डोमेन।
एक्स के जितने भी एलिमेंट्स वो सब डोमेन होंगे, वाई के एलिमेंट्स को डोमेन रहेंगे। अब बात आपके रेंज कौन से हैं, तो जितनी भी इमेज आएंगी, जितनी भी इमेजेस आएंगी डोमेन की, वो सारी रेंज रहेंगी। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं मैंने आपको बताई है। अब आप देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन, अब आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फंक्शन। देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो आपको मैंने अभी अभी बताया है, जैसे मान लीजिए एफ कोई फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो जो मेरे पास रहेंगे, जैसे हमने ये लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, कब, जब स्मॉल एक्स इस कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई भी, इधर साइड में लिख भी रखा है मैंने एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो आप लोग क्या कहोगे, जो एक्स रहेगा वेयर एक्स इज इंडिपेंडेंट फंक्शन, जो एक्स रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और वाई इज डिपेंडेंट फंक्शन। ये आप ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं छोटा सा, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, जैसे मैंने एक्स प्लस वन ले लिया, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया, एक्स प्लस वन लिया है। तो आप बताओ, जैसे आप रखोगे एट एक्स की वैल्यू वन रखोगे, तो बताओ वाई क्या आएगा, वन प्लस वन टू आ रहा है। एक्स की वैल्यू आप टू रखोगे तो वाई क्या रहा है, टू प्लस वन थ्री आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे हम एक्स की वैल्यू रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वाई आ रहा है, एक्स की वैल्यू जो रखोगे उसके अकॉर्डिंग वाई आएगा, ना कि वाई रखने पर एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब डिपेंड कौन है, वाई है। किस पे है वो, एक्स पे डिपेंड है। तो मतलब डिपेंड कौन है, वाई है। तो वाई इज डिपेंडेंट और एक्स इज ए इंडिपेंडेंट। तो ये हमने बताया आपको। तो इसमें हमने आपको क्या बताया, फंक्शंस की डेफिनेशन, जो इमेज प्री इमेज डोमेन को डोमेन रेंज और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और जो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। अब देखो फंक्शन का जो आगे का जो पोर्शन है वो देखिए। बाद हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, कि जैसे मेरे पास अलग अलग वे के अंदर फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए कोई ये कोई एफ कोई फंक्शन दे रखा है एक्स कोमा वाई, ये कंसीडर कर लिया, और मेरे पास एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ बी, और ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये लेके चल रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है जो भी 2, 3, 4 है, और ये बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6, ये एलिमेंट है। तो आप लोग देखिए मैं डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन आपने रिलेशन में पढ़ा है, कैसे करते हो कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लेके चले। तो पुट करो सबसे पहले एक्स की वैल्यू, देखो एक्स क्या लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, सेट ए में क्या है 2, 3, 4, तो एक्स की एक बार 2 वैल्यूज लिए, एक बार 3, एक बार 4, रेस्पेक्ट में वाई क्या आएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा, अगर 3 लेते हैं 3 प्लस 1 4 आएगा, 4 लेते हैं 4 प्लस 1 5 आएगा। तो आपके पास फंक्शन में एलिमेंट्स क्या क्या आए बताओ, यहां से 2, 3, 3, 4, 4, 5 यही होंगे। अब आपको मैं ये सभी मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन आती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होती क्या है, कि इन दिस फॉर्म ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो फंक्शन को हम किसके रूप में रिप्रेजेंट करें, सभी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में करें, तो जो विच बिलोंग्स टू गिवन फंक्शन। तो आपको देखिए जो ये नोटेशन है मेरी, जितने भी फंक्शन, ये फंक्शन एफ है, इसमें सभी जो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नोटेशन है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म, समझ में आया होगा, सिंपल है। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इन दिस फॉर्म द फंक्शन इज रिप्रेजेंट एज, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट है कैपिटल एक्स, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, एंड एक्स ब्लैंक वाई, वेयर एक्स एंड वाई, एक्स ब्लैंक या ब्लैंक इज रिप्लेस बाय सम रूल बिटवीन एक्स एंड वाई। जो ब्लैंक है उसको किससे रिप्लेस किया जाएगा, को रूल के थ्रू, या एक्स और वाई में जो रूल लगेगा, जैसे मैंने यहां ये आपको दिखाया है।
कि एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और रूल क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये स्पेशल रूल हो गया एक्स वाई के बीच में। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ये सेट ब्यूलर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट ब्यूलर फॉर्म। उसके बाद है वाई फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, इन दिस फॉर्म ए फॉर्मूला कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, तो जैसे मैंने यहां पर एक फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला यूज कर रखा है, ये देखो फॉर्मूला ही है, इसी से मैंने निकाला है, तो ये क्या है, वाई फॉर्मूला मेथड है। फोर्थ क्या है, वाई एरो डायग्राम, आपको एरो डायग्राम बताया था कि इन दिस फॉर्म द फंक्शन इज रिप्रेजेंट बाय ड्राइंग एरो फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकंड कंपोनेंट, कि फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से एक एरो से डिनोट करेंगे जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो फंक्शन में बिलोंग करते हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ, जैसे मेरे पास यही है, इसी फंक्शन को अपने ऑर्डर पेयर में करना हो, ये एक्स ये वाई, तो एक्स में एलिमेंट क्या है 2, 3, 4, और y में मेरे पास एलिमेंट्स क्या है 2, 3, 4, 5, 6, तो देखो 2 का पेयर 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 4 का 5 के साथ। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये कौन सा है, एरो डायग्राम मेथड है। उसके बाद लास्ट है बाय ग्राफिकल मेथड, तो आप ग्राफ भी बना सकते हो इन सब का। तो ग्राफिकल मेथड कैसे, आपको पता है इसमें एक वर्टिकल ओरिजेंटल लाइन आएगी, एक वर्टिकल लाइन आएगी, ये एक्स ये वाई मान लीजिए हमने, यहां पर ए पी है तो ये ए और ये बी कंसीडर करेंगे, तो इसके अंदर हम कुछ एरो से बनाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ग्राफ इसी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो 2, 3 किस प्रकार, जैसे आपने ये पढ़ा होगा ये फंक्शन का ऐसे ग्राफ पढ़ा होगा, या आपने ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ देखा होगा, या फिर आपने कभी बहुत स्ट्रेट लाइन अगर आप पढ़ाओगे तो ऐसे जाएगा, या आप किसका ग्राफ बनाते हो, देखो x 0 रखोगे तो y 1 आएगा, और y 0 रखोगे तो x माइनस 1 आएगा, तो ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, इस फंक्शन का अगर आपको बनाना हो ये इसका ग्राफ, तो इसको अगर हम स्पेशल ग्राफ से डिनोट करें तो इस प्रकार भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई है, तो इससे जो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको क्या करवाएंगे, इससे रिलेटेड जो है हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।